Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. STMES Boys English Medium School, Standard 7th, Subject Arabic, Chapter Number 4th, Same 2, Part 2. स्टूडेंट्स, हमने भी पार्ट वन की वीडियो में टिक द करेक्ट आंसर के 3 क्वेश्चन देखे थे. आज हम चैप्टर 4th के टिक द करेक्ट आंसर के पार्ट 2 यानी के आगे के 3rd तक हुआ था, तो 4th, 5th, 6th देखेंगे आज हम. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत ही रहम करने वाला है. देखिए, अब व्हाट डू वी से, कम कम की अरबी हया हो चुका था, टाइम की अरबी वर्ड भी हो चुकी थी वक्तुन, और हेल्प की अरबी वर्ड भी तुसाइदु हो चुका था. आज हम 4th नंबर देखेंगे. देखिए 4th नंबर क्या लिखा हुआ है. व्हाट डू वी से मेक इन अरेबिक, मतलब मेक यानी कि बनाना, यानी कोई भी चीज़ बनाना, कोई भी चीज़ मेक करना, तो उस मेक को अरबी में क्या बोलते हैं. तो देखो ए दिया हुआ है वज़ाउन. क्या लिखा बेटा, चलो मेरे साथ पढ़ो. वज़ाउन, वाव ज़बर वज़, वाद ज़बर ज़, आइन ज़बर आ, वज़ा. वज़ा मतलब होता है रखना, लेकिन ये मेक का तो मीनिंग नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नहीं है. बी है अत अमना, हमजा तो ज़बर अत, आइन मीम ज़बर आम, अत अमनून अली ज़बरना, अत अमना. अत अमना का मतलब होता है हमने खा लिया, वी ईट. अब हम खाने का अरबी वर्ड है अत अमना, लेकिन मेक का अरबी वर्ड अत अमना नहीं होगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है. देखो जो ऑप्शन सही है उसके ऊपर देखो सर्कल किया हुआ है. सी देखिए जालना, जीम ज़बर ज, आइन लाम ज़बर अल, जाल नून अली ज़बरना, जालना. जालना का मतलब होता है बनाना, मेक. ये हमारा सही जवाब होगा, इसलिए हम उस पर क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, जैसे इसमें सर्कल किया हुआ है. 5th नंबर देखिए, व्हाट डू वी से टेस्टी इन अरेबिक, टेस्टी को अरबी में क्या बोलते हैं. कोई भी चीज़ जो लजीज हो, बहुत अच्छा हो, तो उसको अरबी में क्या बोलते हैं. तो नीचे देखो ऑप्शन में ए है हया, इसका तो मीनिंग कम होता है. बी है लजीज़ुन, तो ये सही जवाब है. इसको पर देखो सर्कल किया हुआ है, आप इस पर टिक कर दोगे. लाम ज़बर ला, ज़ालिया जेड जी लजी, ज़ाल दो पेश जुन लजीज़ुन. लजीज़ुन का मतलब होता है टेस्टी, बहुत पसंदीदा. सी है सकाना, सीन ज़बर स, काफ अलिफ ज़बर का, सका नून अलिफ ज़बर ना, सकाना. सकाना का मतलब होता है कि हमने पिया कोई भी चीज़, शरबत पानी कोई भी चीज़, उसका पीना होता है. लेकिन ये टेस्टी का अरबी वर्ड नहीं है, इसलिए हम इस पर टिक नहीं करेंगे. लेकिन लजीज़ुन जो है वो टेस्टी का अरबी वर्ड है, इसलिए ऊपर आप टिक कर देना. बी ऑप्शन हमारा आंसर है. 6th क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू वी से सोल्ट इन अरेबिक, सोल्ट को, नमक को अरबी में क्या बोलते हैं. तो देखिए ए लिखा हुआ है मिलहुन, मीम लाम ज़ेर मिल, मिल मीम लाम ज़ेर मिल, आइन पेशऊ मिलऊ, मिलऊन या फिर मिलऊ. मिलऊ का मतलब होता है सॉल्ट, नमक, तो इस पर हम टिक कर देंगे, ये हमारा सही जवाब होगा. बी फिर भी हम पढ़ लेते हैं. कहवतुन, काफ हा ज़बर कह, वा ज़बर वा, कह वा तादो पेशतुन, कहवतुन. कहवतुन का मतलब होता है कॉफ़ी, जैसे चाय के सब पीते हैं वैसे कॉफ़ी, तो कॉफ़ी कहवतुन का अरबी वर्ड है. सी है अखज़रुन, हमज़ा खा ज़बर अख, ज़ाद ज़बर ज़ा, अखज़र ज़बर अखज़र. अखज़र का मतलब होता है ग्रीन, ग्रीन या, लेकिन ये इसका सोल्ट का अरबी वर्ड नहीं होगा. 7th क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू वी से टी इन अरेबिक, टी यानी चाय को अरबी में क्या बोलते हैं. कॉफ़ी को अरबी बोलते हैं कहवतुन, ये तो आपने देख ही लिया, लेकिन चाय को अरबी बोलते हैं. नीचे हम देखते हैं ऑप्शन में. ए है जनाबुन, जनाबुन ये आंसर हमारा नहीं होगा. बी है खुजी, ख़्वाबेश खुज आलिया ज़ेर ज़े खुजी, मतलब लेना, तो ये भी इसका अरबी वर्ड नहीं है. सी है शायुन, शायुन ये भी पढ़ सकते हो, शीन अली ज़बर शाह या दो पेशुन, शायुन. शायुन का मतलब होता है चाय, टी जब पीते हो ना बेटा रोज़ाना चाय, तो उस चाय को अरबी में शायुन बोलते हैं. चलो एक बार हम वापस रिविज़न कर लेते हैं. 4th नंबर देखिए, मेक अ जानला, टेस्टी लजीज़ुन, सॉल्ट मिलाउन मिलहुन, और टी शायुन. चलो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी बेटा. अगर नहीं समझ में आया हो तो आप वापस से वीडियो रिवाइज़ करके देख लीजिए. जज़ाकअल्लाह खैर. और बेटा लाइक भी कीजिए, टीचर्स आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं.